الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير सब तारीफ खुदा ही को सजावार है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार पर हैं वो अपनी मखलूक में जो चाहता है बढ़ाता है, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है मा खुदा जो अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं और वो गालिब हिकमत वाला है या लोगो खुदा के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो क्या खुदा के सिवा कोई और खालिक और राजिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिज दे उसके सिवा कोई मबूद नहीं बस तुम कहाँ बहके फिरते हो पैगंबर साल वसल्लम अगर ये लोग तुमको झुटलाए तो तुमसे पहले भी पैगम्बर झुटलाए गए हैं और सब काम खुदा ही की तरफ लौटाए जाएंगे या लोगो खुदा का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे और न शैतान फरेब देने वाला तुम्हें फरेब दे शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम भी उसे दुश्मन ही समझो वो अपने पैरों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दो जख्बालों में होदी शदीदू उनके लिए सख्त अजाब है और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है

तो क्या वो नेकुकार आदमी जैसा हो सकता है बेशक खुदा जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है तो उन लोगों पर अफसोस करके तुम्हारा दम न निकल जाए ये जो कुछ करते हैं खुदा उससे वाकिफ है वा और खुदा ही तो है जो हवाएं चलाता है और वो बादल को उभारती हैं। फिर हम उसको एक बेजान शहर की तरफ चलाते हैं फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा कर देते हैं इसी तरह मुर्दों को जी उठना होगा फिल्लाजमियाली जो शख्स इज्जत का तलब गार है तो इज्जत तो सब खुदा ही की है उसी की तरफ पाकिजा कलेमात चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करते हैं और जो लोग बुरे बुरे मकर करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका मकर नाबूद हो जाएगा وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير اور خدائي نے تم کو مٹی سے پیدا کیا फिर नुतफे से फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया और कोई औरत ना हामिला होती है और ना जनती है मगर उसके इल्म से और ना किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और ना उसकी उम्र कम की जाती है मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है बेशक ये खुदा को आसान है شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الكفيه فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اردن دريا ملك نهي ये तो मीठा है है प्यास बुझाने वाला जिसका पानी खुशगवार और ये खारी है कड़वा और सबसे तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो के पानी को फाड़ती चली आती हैं ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो

हर एक एक वक्त मुकर तक चल रहा है यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है उसी की बात शाही है और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं इन अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सकें और कयामत के रोज तुम्हारे शिरक से इनकार कर देंगे और खुदाए बाबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा या नहीं। नहीं। लोगो तुम सब खुदा के मोहताज हो और खुदा बेपरवा सजावार जदीद अगर चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक लाआबाद करे वाली اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة

और नमाज बिल इंतजाम पढ़ते हैं और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं वला वला और ना अंधेरा और रोशनी

खुदा जिसको चाहता है सुना देता है और तुम उनको जो खबरों में मदफून है सुना नहीं सकते इन अल्ला नदी तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो वा इन कबिल हकी बशी व नदी व इन उम इन अल्लाफी नदी हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला भेजा है और कोई उम्मत नहीं मगर उसमें हिदायत करने वाला गुजर चुका है और अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो जो लोग उनसे पहले थे वो भी तकजीब कर चुके हैं उनके पास उनके पैगंबर निशानियाँ और सहीफे और रोशन किताबें ले लेकर आते रहे फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया सो देख लो कि मेरा आजाब कैसा हुआ इमां मुख्तलि गौरा बीसूद क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से मैं बरसाया तो हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंगों के कत आते हैं اور بعض ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور

लन तबूर। जो लोग खुदा की किताब पढ़ते और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं, वो उस तजारत के फायदे के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी <ुणियों> क्योंकि खुदा उनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी देगा वो तो बख्शने वाला और कदरदान है वीना <ुणियों> और ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक है और उन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की है बेश खुदा अपने बंदों से खबरदार और उनको देखने वाला है फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगुजीदा किया तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं और कुछ म्या रोह है और कुछ खुदा के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं यही बड़ा फजल है حديد उन लोगों के लिए बहिष्त जाविदानी है जिनमें वो दाखिल होंगे वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी

और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दो जख्ख की आग है ना उन्हें मौत आएगी कि मर जाए और न उसका अजाब भी उनसे हल्का किया जाएगा हम हर एक ना शुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمذكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير हमको निकाल ले अब हम नेक अमल किया करेंगे न वो जो पहले करते थे क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया तो अब मजे चखो जालिमों का कोई मददगार नहीं इं... बेशक खुदा ही आसमानों और जमीन की پوشیدہ बातों का जानने वाला है वो तो दिल के भेदों तक से वाकिफ है वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहलों का जानशीन बनाया तो जिसने कुफर किया उसके कुफर का जरर उसी को है

कि टल ना जाए अगर वो टल जाए तो खुदा के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके बेशक वो बुर्दबार और बख्शने वाला हैदी उम्म सخت सخت खाते हैं तो ये हर एक उम्मत ऐसी बढ़कर हिदायत आरोप जब उनके पास हिदायत करने वाला आया तो उससे उनको नफरत ही बढ़ी

ुदा की आदत में हर गिज तबुल न पाओगे और खुदा के तरीके में कभी तगैर न देखोगे अवलमी फिल आउ कदीरा। क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ हालांकि वो उनसे कुत में बहुत ज्यादा थे और खुदा ऐसा नहीं कि आसमान और जमीन में कोई चीज उसको आजिज कर सके वो इल्म वाला और कुदरत वाला है ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن और अगर खुदा लोगों को उनके अमाल के सब पकड़ने लगता तो रूए जमीन पर एक चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुक्र तक मोहलत दिए जाता है सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला देगा खुदा तो अपने बंदों को देख रहा है